गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराऊंगा टॉपिक एग्जेक्टिव यूपीटेट प्राइमरी लेवल से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको एग्जेक्टिव सारे समझ में आ जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम से। ठीक, तो देखिए एग्जेक्टिव क्या होते हैं, पहले मैं इसकी कराऊंगा आपको डेफिनेशन। क्या कराऊंगा आपको फ्रेंड्स, डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या होती है। एन एग्जेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नंबर और प्रोनाउन। यानी एग्जेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो प्रोनाउन और नाउन की कुछ क्वालिटीज को बताते हैं। जैसे मैं नोट करा रहा हूँ, एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ए गुड बॉय, समराइज। और थ्री गर्ल्स ETC। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है एग्जेक्टिव काइंड्स कितने होते हैं। एग्जेक्टिव हमारे कितने होते हैं, 7 काइंड्स होते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव कितने काइंड्स हैं, 7। ये है 7 काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव। नंबर 1 आता है इसमें प्रॉपर एग्जेक्टिव। क्या आता है, प्रॉपर एग्जेक्टिव। इसमें क्या है, जो किसी नाउन से बनते हैं, जो किसी नाउन से बनते हैं। ठीक है, जो किसी नाउन, जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, नाउन से नहीं फ्रेंड सॉरी, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा प्रॉपर नाउन है इधर, और इधर हमारा एग्जेक्टिव होगा, प्रॉपर एग्जेक्टिव, प्रॉपर एग्जेक्टिव। तो जैसे हमारा है बंगाल, बंगाल का क्या हो जाएगा, बंगाली। ठीक, इंडिया, इंडिया का होगा इंडियन। इंग्लैंड, इंग्लैंड का इंग्लैंड ही रहता है। जापान, जापानीज। फ्रांस, फ्रांस का फ्रेंच। तो ये हमारे आपके प्रॉपर नाउन है ये इधर वाले, और ये हमारे प्रॉपर बंगाल प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एजेंट क्या बना, बंगाली। इंडिया प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एजेंट बना हुआ इंडियन। ठीक है, इंग्लैंड प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर एजेंट क्या बना, इंग्लैंड। जापान हमारा प्रॉपर नाउन, जापानी हमारा प्रॉपर एग्जेक्टिव। फ्रांस हमारा प्रॉपर नाउन है, और फ्रांस हमारा प्रॉपर एग्जेक्टिव। ठीक, नंबर सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड है इसमें हमारा आपका नंबर 2 एग्जेक्टिव आती है हमारी एग्जेक्टिव क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये हमारी सबसे ज्यादा एग्जाम से पूछी जाती है, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता है, ठीक है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या प्रोनाउन एक ही बात है, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध होता है। जैसे जैसे ए ग्रेट मैन, मैन तो है लेकिन कैसा महान है, ए गुड गर्ल, लड़की तो लेकिन कैसी लड़की, अच्छी लड़की है, ठीक है। ए ब्लैक डॉग, डॉग तो लेकिन कैसा है, ब्लैक है, ठीक। नंबर थर्ड है आपका एग्जेक्टिव क्वांटिटी, एग्जेक्टिव क्वांटिटी। इसमें क्या है, वे वस्तु, वे शब्द जो वस्तुओं के नाप तौल या परिणाम का बोध कराते हैं, वे शब्द जो वस्तुओं की नाप तौल या परिणाम का बोध कराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एनी फ्यू मैनी मच सम नो, ठीक। जैसे अगर ए लिटिल मिल्क सम राइस नो वाटर एक्सेट्रा। नंबर फोर पॉइंट आता है आपका एडजेक्टिव नंबर, नंबर। इसमें वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। इसमें वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, टू बॉय बुक्स, टू बुक्स, द फर्स्ट मैन कॉमा मैनी मैन फ्यू चेयर्स,
एक्सेट्रा। नंबर अगला आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला नंबर हमारा डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। अगला हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, ये किसी वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत के लिए, संकेत के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे दिस, दोज, डैट, दीज। दिस, दोज, That, these. Example इसमें this book is mine. This book is mine. अब those pens are yours. Those pens are yours. ठीक है friends. नेक्स्ट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा आता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो उसे देख लीजिए आप लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नंबर 6, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नंबर अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ये एडजेक्टिव वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध कराते हैं। ये एडजेक्टिव वस्तुओं या व्यक्तियों, व्यक्तियों के अलग अलग, अलग अलग होने का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है, थिंग्स और पर्सन इसमें अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे देखिए ईच बॉय, जैसे एग्जाम्पल है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। पीटीसी, ठीक। इसमें देखिए मैं आपको लिखा भी रहा हूं, ईच बॉय विल गेट ए पेन, विल गेट ए पेन। नंबर है एवरी गर्ल्स नो डांसिंग, यानी प्रत्येक व्यक्ति, ईच बॉय विल गेट ए पेन, प्रत्येक बच्चे ने एक पेन प्राप्त किया, और ईच गर्ल्स, एवरी गर्ल्स नोज डांसिंग, प्रत्येक लड़की डांस करना जानती है। नंबर 7 है आपका ये इंट्रोगेटिव। क्या है ये, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इनका
फिर ये ऑपरेशन पूछने के लिए क्या आता है, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने पूछने के लिए किया जाता है, किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हूज हाउस, नंबर वन हूज हाउस इज दिस, क्वेश्चन मार्क। नंबर टू विच पेंसिल इज योर्स, विच पेंसिल इज योर्स, इसमें कैसे शब्द आते हैं कि हूज विच वाट एक्सेट्रा, इस प्रकार के इसमें वर्ड्स आते हैं हूज विच वाट एक्सेट्रा। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपके ये समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी मैं इसमें प्रोनाउन बोल गया था, लेकिन वहाँ प्रोनाउन नहीं है, इसके लिए आई एम सेइंग सॉरी टू यू, वहाँ पर एडजेक्टिव्स था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छी लगी होगी। तो आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन प्रेस करते चलिए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एग्जाम अच्छी तरह से क्रैक हो जाए। थैंक्स फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।